ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे पूजा में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। जो एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी, जिसमें तुलसी माता की पूजा की जाती है, तो ये सारी सामग्री मैंने तैयार कर ली। पूजा की सामग्री मैंने तैयार की और मम्मा जो है ये खाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी हम आज खाने में बनाएंगे, सबसे पहले ये तुलसी माता को चढ़ाया जाएगा और फिर वो कंजक को दिया जाता है, उसके बाद हम खुद खाते हैं। तो ये हमने बनाई है सिंगाड़े के आटे की रोटी और आलू, और बनाई है हमने सिउल, मीठे में हमने सिउल बनाई है। तो ये सारी चीजें पहले माता के आगे चढ़ाई जाती हैं, कंजक को देने के बाद फिर हम खुद खाते हैं। तो मम्मा ये वाला काम कर रहे हैं, तो मैंने वहां पे अपना काम कर लिया। पूजा का सामग्री जितनी भी होती है वो मैंने सारी तैयार कर ली है, जो जो चाहिए होता है उसमें। यहाँ मैंने दिए तैयार किए, छोटे छोटे दो झंडे भी बनाए हाथों से ही फटाफट, और एक चुन्नी है माता के लिए लाई है, कलीरे हैं, और बैंगन, मूली और गन्ना, जिसको शुगर केन कहते हैं, ये चीजें जो है ये जरूर चढ़ाते हैं आज के दिन माता को। तो चलिए अब हम यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गए हैं। अब आप यहाँ सबसे पहले यहाँ पे अभी हमने दिए लगाए, उसके बाद यहाँ माता को कलीरे डाले जा रहे हैं। माता को चुन्नी चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे मम्मी कलावा बांध रहे हैं। लाल धागा जो है वो कहते हैं जरूर बांधना चाहिए, और यहाँ पे लाल सिंदूर का टीका लगा रहे हैं माता को। उसके बाद यहाँ पे ये बत्तियां बनाई हैं, 365 बत्तियां, मतलब 365, जो ये हर एक सिंगल पर्सन को अगले, मतलब व्रत वाले दिन से लेके अगले 4 दिन, और मतलब टोटल 5 दिन जो है शाम के टाइम, ये थोड़ी थोड़ी बत्तियां जो है ये तुलसी माता के चारों तरफ यहाँ जलाते हैं। तो ये सारी मैंने बना के रेडी कर ली थी, तो अब एक बार में मेरे से इतनी ज्यादा बनी नहीं, तो हर दिन मैं थोड़ी थोड़ी बना के जो है यहाँ पे हम माता के आगे ये बत्तियां जलाएंगे। मतलब सोमवार तक जो है हमें ये बत्तियां यहाँ माता के आगे जलानी है, मतलब व्रत वाले दिन से। गुरुवार व्रत है तो मंडे तक जो है 5 दिन होंगे, तो मंडे तक हर शाम हम ये बत्तियां यहाँ पे जलाएंगे। उसके बाद बत्तियां जलाने के बाद यहाँ पे सारा सामान चढ़ाया जा रहा है, जो भी खाने में बनाया था वो चढ़ाया। उसके बाद ये बैंगन, मूली और गन्ना, ये सब जो है माता के आगे चढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ये सारा सामान जो है कंजकों को दे दिया जाता है। कंजकों को हमने बुला लिया हुआ है, वो खुद ही यहाँ से उठा लेंगी। दो कंजकों को बुलाया है, तो दोनों जो है आधा आधा सामान ले लेंगी। तो ये सारा सामान चढ़ाने के बाद फिर की जाती है परिक्रमा। अपनी मर्जी है, आप जितनी परिक्रमा कर सकते हो, जितनी करने में सक्षम हो। दोस्तों हमारी पूजा हो गई है, अब जो है खाना खाने जा रहे हैं हम, और कंजकों को बोल दिया वो ये सारा सामान उठा के यहाँ से ले जाएंगी।
ये था मेरा आज ब्लॉग, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में।